नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। व्यक्तिगत लाभ की खातिर अधिकारी लगा रहे हैं सरकार को चूना। राष्ट्रीयकृत बैंकों को छोड़कर के निजी बैंक में पैसा डालने पर सरकार सकते में। यस बैंक में सरकार का 2.5 करोड़ रुपए फंसने पर अधिकारियों में हड़कंप। पल पल सिरसा से ये खास खबर। पूंजी की कमी से जूझ रहे हरियाणा सरकार के अधिकारी ही सरकार को चूना लगा रहे हैं। सरकार की बिना अनुमति के सरकार का 2.5 करोड़ रुपया एक डूबते हुए निजी बैंक में यानी यस बैंक में जमा कर दिया गया। बैंक मंदी के कगार पर है, ऐसे में सरकार का रुपया डूबता नजर आ रहा है। अधिकारियों ने व्यक्तिगत लालच में सरकार का रुपया सरकारी बैंकों या अपने सहकारी बैंकों में जमा न करवा करके निजी बैंकों में जमा करवाया, जिसे लेकर के सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं और अधिकारियों में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। सरकार इस बात का पता लगाने में लगी है कि यस बैंक में पैसा निगम और विभागों के अधिकारियों ने अपनी मर्जी से या वित्त विभाग की अनुमति लेकर जमा करवाया। घाटे में चल रही हरियाणा सरकार के यस बैंक में 2500 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, जिसमें अकेले हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के 1000 करोड़ रुपए हैं। यह पूरी राशि 3 माह के भीतर ही निगम या सरकारी विभागों की ओर से जमा करवाई गई। इतनी ही बड़ी राशि एक निजी बैंक में जमा करवाने को लेकर के सरकार सख्ते में है, जबकि अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि बैंक डूबने के कगार पर है। मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर के अधिकारियों से सख्त नाराज हैं। इसके अलावा बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने भी अधिकारियों से जानकारी लेनी शुरू कर दी है। ACH ने तो इतनी बड़ी राशि निजी बैंक में जमा होने पर अनभिज्ञता जाहिर कर दी, यानी उसको कोई भी पता नहीं है। फिलहाल सरकार इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि निजी बैंक में निगम या सरकारी विभाग के अधिकारियों के आदेश पर इतनी बड़ी राशि जमा करवाई गई है या फिर वित्त विभाग ने ऐसा करने को कहा था। हालांकि सरकार सांप निकलने के बाद लकीर पीटती हमेशा आई है और इसी मामले में ठीक ऐसा ही हो रहा है। जहां देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल जैसे बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, सरकार या निगम अधिकारियों ने इसकी अनदेखी करते हुए एक निजी बैंक में और उसके रुख को देखे बिना उसमें इतना बड़ी रकम जमा करवा दी, जबकि SBI और PNB की गांव-गांव तक शाखाएं फैली हुई है। अगर इन दोनों बैंकों में धनराशि जमा नहीं करनी थी तो प्रदेश सरकार अपने सरकारी बैंक यानी सहकारी बैंक जहां पर इस राशि को जमा करवाया जा सकता है। दरअसल अधिकारी व्यक्तिगत लाभ की खातिर लालच में आकर ऐसा करते हैं, क्योंकि निजी बैंकों की ओर से खाते खुलवाने में और उन्हें मोटी धनराशि जमा करवाने पर मोटी राशि व उपहार तक दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऐसा नहीं किया जाता। निजी बैंक पार्टी को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसके लिए उनके पास बजट तक होता है। वो चाहते हैं कि बड़ा मुर्गा फंसाने के लिए बड़े बैंक और बैंक के बड़े अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती है, मगर निजी बैंक सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, प्रशासन तथा उनके अनेक कार्यों में वे मदद भी लेते हैं। नगर में अगर ट्री गार्ड लगाने हों, दीवारों पर पेंटिंग करवानी हो तो निजी बैंकों की मदद ली जाती है। राशि का एक हिस्सा सामाजिक कार्य पर तो दूसरा हिस्सा अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है। सिरसा के एक सरकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने निजी बैंक में विभाग का खाता खुलवा करके उसे करीबन 4 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई। उस समय चर्चा थी कि बैंक की ओर से अधिकारियों की अच्छी सेवा की गई थी। उस अधिकारी के तबादले के बाद आए दूसरे अधिकारी ने जब पता करना चाहा तो उसमें बैंक से खाता बंद करवाने की कार्रवाई शुरू की। उसके बाद बैंक में भी हड़कंप मच गया। बैंक अधिकारियों ने उक्त अधिकारियों को 1 तोला सोने की चैन देकर के अपने पक्ष में कर लिया। तब उक्त अधिकारी का कहना था कि खाता उसने नहीं खुलवाया, जिसने खाता खुलवाया था अगर कार्रवाई होगी तो उसके खिलाफ होगी, यानी अधिकारी व्यक्तिगत लाभ की खातिर सरकार को चंपत लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।